देखो जरा, वी वर टॉकिंग अबाउट द एनर्जी व्हेन एनर्जी नीडेड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम एनी इनर टू आउटर, कितनी एनर्जी ऑफ आउटर माइनस इनर ऑर्बिट। इसी में आउटर टू इनर आएगा तो क्या होगा वो समझते हैं, क्या होगा देखें जरा प्लीज। एक क्वेश्चन है, लिसनिंग एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ऑल्सो आस्क्ड इन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम। क्या क्वेश्चन है समझते हैं जरा, पहले क्वेश्चन समझेंगे ध्यान से फिर उसका सॉल्यूशन। डराइव एन एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम nth ऑर्बिट टू n माइनस वन एथ ऑर्बिट। लेट मान लेते हैं यह nth ऑर्बिट एंड इससे नीचे क्या होगी n माइनस वन कहां होगी, उससे ऊपर है नीचे, नीचे ही होगी। इलेक्ट्रॉन यहां है इस ऑर्बिट में, इस ये जब इनर ऑर्बिट में आएगा n माइनस वन मीन्स एक ऑर्बिट नीचे आ जाएगा। इट एमिट रेडिएशन, जो एमिटेड रेडिएशन है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी वो हमें डराइव करके बताना है। फिर सेकंड पार्ट में पूछा है या प्रूव करने के लिए कहा है वो भी समझेंगे, देखें जरा। तो हमें क्या करना है, एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी, एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हाट, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन के लिए बहुत बार फोटोन वर्ड भी यूज करा हुआ है, ध्यान रखेंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन और फोटोन एमिटेड क्या होगा, कब, व्हेन जंप्स फ्रॉम n टू n माइनस वन ऑर्बिट में। अभी बार बार हम यही पढ़ रहे थे, एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ आउटर माइनस इनर, इज इट। आउटर ऑर्बिट कौन सा होगा, एन एथ, एंड इनर ऑर्बिट एन माइनस वन एथ। एंड जो रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी एमिट होगी इट विल बी एच न्यू इक्वल्स टू व्हाट इज दिस, माइनस 13.6 बाय एन स्क्वायर माइनस माइनस 13.6 बाय एन माइनस वन का होल स्क्वायर। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एच नीचे आएगा, 13.6 टेकिंग कॉमन अपॉन एच इनटू 1 बाय एन माइनस वन का स्क्वायर माइनस एन का स्क्वायर, 13.6 डिवाइडेड बाय एच इनटू एलसीएम ले ले, एलसीएम आएगा एन माइनस वन एन माइनस वन का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एन का स्क्वायर, ये यहां चला जाएगा एन स्क्वायर माइनस एन माइनस वन का स्क्वायर क्या होगा, एन स्क्वायर माइनस वन प्लस टू एन, इज इट। एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसल हो जाएगा, इट कैन बी रिटन एज फ्रीक्वेंसी, कैन बी रिटन एज क्या लिख देंगे, 13.6 डिवाइडेड बाय एच इनटू क्या बचा, 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1 का स्क्वायर इनटू n का स्क्वायर, ध्यान दें, फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ n। क्वेश्चन में कहा है ये फ्रीक्वेंसी आ गई हमारी,
फिर सेकंड पार्ट में कहा है फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ एन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, यानी nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा उसकी भी फ्रीक्वेंसी उतनी ही होगी, बट कंडीशन है n शुड बी लार्ज. फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ n 2n minus 1 can be approximately written as 2n and n minus 1 can be approximately written as n. So equation number 1 becomes kya aayegi 13.6 by h into 2n by n ki power 4. फर्दर कितना 13.6 उसे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना 26 12.23 7 2 127.2 by h n cube is the frequency of revolution, frequency of radiation or photon emitted when jumps from nth orbit to n minus 1th orbit, condition है n should be large. फिर show करने के लिए कहा, यानी frequency of revolution of electron in nth orbit. nth orbit में कितनी frequency होगी? तो formula क्या लगाएंगे? किसी भी orbit में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी कैसे निकालने? जी बताओ बताओ. तो फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करेंगे देखें जरा. फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम पीरियड, मींस कितना होगा स्पीड बाय डिस्टेंस वी बाय 2 पाई आर. v की वैल्यू याद है? v की वैल्यू क्या थी? z by n. हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं वैसे तो z by n था, लिख देता हूं मैं z by n into 2.2 into 10 की पावर 6 divided by 2 pi r की वैल्यू 0.53 into 10 की पावर माइनस 10 n स्क्वायर बाय z आएगा डिवाइड. होप यू गॉट. इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे. करें सॉल्व क्या आना चाहिए? हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि वहां पे हमने आंसर h की टर्म्स में रखा हुआ है. h को सॉल्व करेंगे और यूनिट सेम कर देंगे क्योंकि वहां पे एनर्जी किस फॉर्म में है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में है ये एनर्जी, ठीक है? और वो पर सेकंड यानी हर्ट्ज में आएगा फ्रीक्वेंसी. तो यूनिट सेम बनाएंगे, इस पूरे को सॉल्व करेंगे. हाइड्रोजन के लिए मैं कर ही देता हूं सॉल्व, देखना जरा. ठीक है विजिबल है डॉक्टर स्ट्रेंज. ओके सर. हाँ, इसको सॉल्व करें तो आगे क्या बनेगा देखें जरा. जेड ऊपर जाएगा, जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब. जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब मल्टीप्लाइड बाय, देखो जरा कितना बन रहा है 2.2 into 10 की पावर 6 डिवाइड बाय यहां पे 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय 0.53 into 10 की पावर माइनस 10. ये आगे न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी. इसमें z को 1 रख दें फॉर हाइड्रोजन, z इज इक्वल्स टू 1. तो क्या बनेगा जी?
टू से काट दो इसे, 1.1 1.1 बाय 0.53 पाई, सही है, 1.1 बाय 0.53 पाई मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर ऊपर जाके 16 हो जाएगी, इसमें ऐड हो जाएगा 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाय n क्यूब, hz में आंसर आएगा। अब इसी में ये वाली जो फ्रीक्वेंसी निकाली थी हमने उसमें भी वैल्यू पुट करके सॉल्व करते हैं तो सेम आएगी, हालांकि पाई की वैल्यू पुट करके इसे पूरा सॉल्व करें उसको भी कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो ही आंसर आएगा। इसमें ध्यान देने वाला पॉइंट क्या है कि जो फ्रीक्वेंसी हमने निकाली है ये आई थी लास्ट, दिस वन लास्ट में ये आया ना 27.2 बाय एच एन क्यूब, बट इसमें जो एनर्जी थी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखी थी, उसे किस में बदलना पड़ेगा, जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा इससे यूनिट के लिए, तो किससे मल्टीप्लाई करें, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 राइट, और एच की वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी। यदि मैं यहां वैल्यू पुट ना करके नेक्स्ट स्टेप में ही लिख देता हूं, देखें जरा, इक्वल्स टू 27.2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाय एन क्यूब एज इट इज है, एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 सॉल्व करेंगे तो ये आंसर भी एच जेड में आएगा। एंड क्लियरली ये जो आंसर है सेकंड और ये आंसर थर्ड बोथ एग्जैक्टली इक्वल आएंगे, आगे कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। कितने मार्क्स? 3 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है, 3 मार्क्स में देखिए जरा प्लीज, 3 मार्क्स के लिए इतना सा तो लिखना ही पड़ेगा, सिंपल स्टेप्स हैं, एनर्जी ऑफ रेडिएशन एमिटेड इज इक्वल टू आउटर माइनस इनर, एनर्जी एच न्यू, एनर्जी ऑफ आउटर, एनर्जी ऑफ इनर, इनर इज एन माइनस वन, आउटर इज एन, न्यू इक्वल टू दिस कॉमन लिया अपॉन एच, ये आ गया, इसमें हमने एलसीएम लिया सॉल्व किया ये आ गया हमारे पास दिस वन, और इसमें फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ एन, 2n-1 अप्रोचेस टू 2n, n-1 अप्रोचेस टू n, पुटिंग वी गॉट दिस वन, इसमें ये आ गया हमारे पास, ये वैल्यू आ गई है, इसमें एच की वैल्यू पुट कर दी और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट किया तो ये आ गया। फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज, हमने सॉल्व किया, फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम, वेलोसिटी बाय 2 पाई आर, वेलोसिटी की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू पुट की हमने, सॉल्व किया तो ये और ये न्यूमेरिकली एग्जैक्टली इक्वल आएंगे, वी हैव टू प्रूव, 3 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है। कौन से ईयर में था क्वेश्चन? 2021 एंड 21-22 यानी 2021 में भी आया है, 2022 में भी पूछा गया है, दैट इज सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, होप यू विल ट्राई, एनीबॉडी हैज एनी डाउट, क्वेश्चन क्या था, यू गॉट दैट क्वेश्चन, कहा क्या था, एन ऑर्बिट से एन माइनस वन ऑर्बिट में जाएगा तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन क्या होगी, निकाल लिया, उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन इन nth ऑर्बिट हमने निकाला, दे मस्ट बी इक्वल टू, ट्राई ऑल ऑफ यू फास्ट, स्टेप्स की नीड है थोड़ा बहुत हेल्प ले सकते हैं, सारा कॉपी पेस्ट ना करें, करो कंप्लीट जल्दी से।